706 केल्विन। चलो एक ब्लैक बॉडी बनाते हैं, दिस इज द ब्लैक बॉडी, ये एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉडी है और ये ब्लैक बॉडी हीट रेडिएशन इमिट करती है, अलग अलग रेडिएशन इमिट करती है, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ की, हम सबको पता अलग अलग वेवलेंथ की ये रेडिएशन इमिट करती है। इसमें बहुत सारे रेडिएशन है यार, बहुत सारे रेडिएशन है, ठीक है, इसमें बहुत सारे रेडिएशन है। टेम्परेचर, इस स्पेक्ट्रल टेम्परेचर टी पे और उस वेवलेंथ में एक रिलेशन होता है जो हम विंस लॉ से करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो विंस लॉ से रिलेटेड है। विंस लॉ या क्या हम पढ़ के आए थे भाई, विंस लॉ एक ऐसे ग्राफ हुआ करता था, दैट इज द, और यहाँ पर ये एक स्पेशल वेवलेंथ है जिसपे सबसे ज़्यादा एनर्जी रेडिएट, उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी, देयर आर ए लॉट ऑफ वेवलेंथ, देख रहे हो बहुत सारे वेवलेंथ हैं, पर इस वेवलेंथ के पास एनर्जी सबसे ज़्यादा, ये वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है यार, इसके पास, इस रेडिएशन के पास एनर्जी सबसे ज़्यादा, जैसे लेकिन एक खास वेवलेंथ है जिसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा यार, उस वेवलेंथ का उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है वो विंस ने दिया, दैट इज द विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि ये अब ये कहता है कि ये जो ये बॉडी इस स्पेशल टेम्परेचर 507,660 केल्विन, इस स्पेशल टेम्परेचर पर है, कोई ब्लैक बॉडी है इस स्पेशल टेम्परेचर पे है, तो इस स्ट्रेंथ पे एनर्जी इसमें दिया हुआ है। एक वेवलेंथ पे एनर्जी 250 पे U1 है, 1900 पे U3 है और 500 पे U2 है, और विंस कांस्टेंट इतना हो तो विच आर द फॉलोइंग रिलेशन सही, इसमें से कौन सा सही है, बहुत ज़्यादा डाउट आता है ये बच्चों को। चलो तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं करने वाला हूँ इस स्पेशल टेम्परेचर पे, सबसे पहले मैं वो वेवलेंथ देखना चाहता हूँ जिसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा है, मतलब लैम्डा मैक्स आ जाएगा विंस कांस्टेंट बी टेम्परेचर टी। तो विंस कांस्टेंट दिया हुआ है 2.88 × 10⁶ नैनोमीटर में, ये नैनोमीटर में ही रहने तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 5760, ठीक है, तो 5760, और ये वेवलेंथ स्पेशल वेवलेंथ इसको कैलकुलेट कर लो तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, तो ये जो वेव कितना, इसको इस ए वेवलेंथ है 500 जिस पे इस टेम्परेचर पे इस वेवलेंथ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी है। अगर मैं अब इसको यहाँ पे प्लॉट करता हूँ तो ये जो आ जाएगा वो 500 नैनोमीटर आ जाएगा और इस पे एनर्जी U1 है जो कि सबसे ज़्यादा है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद 250 किधर आएगा, 250 कहीं यहाँ आएगा, है ना, 250 कहीं यहाँ आएगा, इस पे आएगा 250 नैनोमीटर और इस पे एनर्जी थोड़ा कम ही आएगी U2। 1000 कहीं इधर आएगा, उस पे एनर्जी और भी कम आएगी 1000 नैनोमीटर, दैट इज़ द U3। इसका मतलब ये 500 पे U2 था ना, यहाँ पे ये U2 है 500 पे, तो ये U1 है 1000, U3 है 1000 पे, U3 है 1000 पे और U2 है, अरे देखना प्यारे बच्चों, यहाँ से ये वाली जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो U2, 500 पे एनर्जी U2 है जो सबसे अधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि U2 इज़ ग्रेटर देन U1 एंड U2 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन U3। बी ऑप्शन सही है।